करत्यूं शाह लतीफ चवे हो बिटाई गोट लतीफ चवे हो लालो लाल लतीफ चवे गोट न बिजगारी बेचारी उनल ले जवानी की दहलीज पर पैर रखते ही शाह लतीफ ने मजाजी इश्क की ऐसी चोट खाई कि अपने आप को इश्क हकीकी में गिरफ्तार पाया। महज 20 साल की उम्र में शाह अब्दुल लतीफ भिटाई अपनी फिक्र फलसफे और इश्क हकीकी की वजह से गैर मामूली अहमियत हासिल कर चुके थे। वो जहां जाते सैकड़ों लोग उनके अफकार से मुस्तफ़ीद होने के लिए उनके गिर्द रहते। शाह अब्दुल लतीफ की शायरी में इतनी फिक्र अंगेजी और इश्क इरफान के रमूज के ऐसे गौर पन्हा हैं कि जो भी एक बार पढ़ ले उसकी तासीर रूह तक महसूस करने लगता है। शायद यही वजह थी कि जर्मन स्कॉलर डॉक्टर इर्नेस्ट ट्रिम्फ ने 1886 में इस खुशबू को महसूस करते हुए सबसे पहले शाह जो रिसालो यानी शाह की शायरी को जर्मनी से शाया किया। मशहूर बरतानवी मुहक्किक और दानिश्वर डॉक्टर एच टी सुरले ने अपनी किताब शाह ऑफ भिट में शाह लतीफ की शायरी का मवाजना शेले कीट्स शेक्सपियर और पैब्लो नेरुदा से किया है। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने अपनी सुरमियों के ज़रिए आम इंसान को ये बताने की कोशिश की है कि जहदे मुसलसल और साबित कदमी के ज़रिए अपनी मंजिल को पाया जा सकता है। ये किसी को मालूम ना था कि 1689 में सिंध के छोटे कस्बे हाला हवेली में जन्म लेने वाले शाह अब्दुल लतीफ़ का शुमार दुनिया के अजीम इंसानों बड़े शोरा और एक बड़े सूफी बुजुर्ग के तौर पर होगा। अख्तर टालपुर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची।